जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, शायद आपको जानकारी होगी, भारतीय मार्केट में कॉटन और कॉटन यार्न की कीमतें आसमान पर चढ़ी हुई हैं। इससे न केवल भारतीय कॉटन इंडस्ट्री बल्कि भारतीय कस्टमर प्रभावित हो रहे हैं। खास तौर पर भारतीय कस्टमर्स को महंगाई की मार से बचाने के लिए सामने आया है ताइवान। ताइवान में कॉटन और पॉलिएस्टर यार्न की कीमत भारत की तुलना में बहुत कम है, इसलिए ताइवान ने भारत से कह दिया है कि आपको जितना कॉटन चाहिए, यार्न चाहिए, आप हमारे यहाँ से उठा लीजिए। परिणाम स्वरूप भारत ने ताबड़तोड़ 5,000 टन कॉटन यार्न खरीद लिया है ताइवान से। अगले 1 महीने के भीतर यह कॉटन यार्न ताइवान से भारत आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि शिपिंग कॉस्ट को मिलाने के बावजूद भी ताइवान का कॉटन भारतीय बंदरगाह पर भारतीय कॉटन की तुलना में सस्ता पड़ रहा है। अब चूंकि ताइवान से सस्ते कॉटन की व्यवस्था हो गई है, इसलिए हमारे देश में जो कॉटन की जमाखोरी कालाबाजारी कर रहे थे, उनके ऊपर पड़ रहा है मनोवैज्ञानिक प्रेशर। इसलिए हो सकता है कि वह अपनी जमाखोरी खत्म करें और कॉटन का स्टॉक रिलीज करें। यदि भारतीय जमाखोरी बंद हो गई, मार्केट में कॉटन की सप्लाई बढ़ गई, तो अपने आप हमारे देश में कॉटन की कीमतें काबू में आ जाएंगी। इसलिए भारत ने ताइवान से कहा है कि यदि आपको अपने कॉटन यार्न की कीमत बढ़ानी भी है, तो आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। बस हमारे देश में कॉटन यार्न की कीमत थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर ताइवान अपनी इच्छा के अनुसार अपने यहाँ कॉटन की कीमतें बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। अभी हाल फिलहाल ताइवान भारत के साथ कोऑपरेट कर रहा है, वह सस्ते दाम पर भारत को मनचाहे अमाउंट में कॉटन सप्लाई कर रहा है, ताकि भारत में कपड़ा इंडस्ट्री और कस्टमर्स को महंगे कॉटन की कीमतों से छुटकारा दिलाया जा सके। हमारे देश में कॉटन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हमने तुरंत ताइवान से खरीद लिया। कॉटन इंडस्ट्री मांग कर रही थी कि कॉटन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दीजिए, ताकि भारत में कॉटन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। आपने एक्सपोर्ट पर रोक न लगाकर भारत ने ताइवान से इम्पोर्ट करके अपने यहाँ सप्लाई बढ़ा दी है। कुल मिलाकर भारत में इस प्रकार कॉटन की सप्लाई बढ़ रही है, जिससे कॉटन की कीमतें काबू में आएंगी, उसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। मौके पर जिस प्रकार ताइवान ने भारत की मदद की, उसके लिए ताइवान को बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको आया है पसंद तो लगे हाँ, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।